उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद दिखाई दे रहे कि दिन दहाड़े एक मकान में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए दबंग एक युवक से 15,000 रुपए व मोबाइल छीन कर ले जाने में भी पीछे नहीं रहे। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित मोहल्ला मस्जिद पूरा गली नंबर 1 में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडे पत्थर व हथौड़े से इस कदर कहर ढाया कि एक व्यक्ति जहां लहूलुहान हो गया तो वहीं दबंगों पर युवक से 15,000 रुपए छीन कर ले जाने का भी परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जहां दबंगों की तलाश में जुट गई तो वहीं दबंग मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार हुए थे, बदमाशी दिखा रहे थे, ना पैसे ले गए, सामान के पैसे देने आ रहा था, काम चालू है, यहाँ आए थे 5-7 लोग और उड़ा के नहीं वो सामान उड़ा के वही छीना झपटी हुई है और मार दौड़ हुई। ये मामला जो छोटे वाले से जो भी बदतमीजी हुई थी, ये घर घर में काम कर रहा था, वो लोग आए उसे बुलाया, उसके साथ में बदतमीजी करी, कितने हम पहुँचे वो हम पे भी लिपट गए। इस पे एक फ़ोन था, कुछ पैसे भी थे कि नहीं पैसे देने कह रहा था जाने को, तो पैसे भी निकाल लिए उसके जेब से एक फ़ोन को 15,000 रुपये वो मैंने दिए थे उसे। अच्छा। उसका एक बड़ा फ़ोन था उसके हाथ में, वो पता नहीं वो कहाँ गया है, वो फ़ोन का भी पता नहीं है उसे। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।